नमस्कार मित्रों, वैराग्य शतक चल रहा है, महाकवि भर्तृहरि की रचना है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे अगर आप बेल दबाएंगे तो। और इस चैनल पे इतना कुछ है आपके लिए कि अगर आपको संस्कृत साहित्य और संस्कृति में रस है तो आजीवन आनंद ले सकते हैं। चलिए 34वां श्लोक देखते हैं। अमीशाम प्राणानाम तुलित विशनी पत्र पयसाम कृते किम नास्माभिर विगलित विवेकई व्यवसितम यदाढ़्यानामग्रे द्रविण मद निशंक मनसाम कृतम वीतव्रीणैर निज गुण कथा पातकमपि। महाकवि भर्तृहरि कहते कि हमारे जीवन क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। ये जीवन का सत्य तो यही है कि कमलनी के पत्ते पे पड़े हुए जल की बूंद की तरह क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं। रात को सोए सुबह सोके उठेंगे पता नहीं है, रोड पे निकले हैं घर वापस आएंगे पता नहीं है, कब कहां किस समय क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये क्षण भंगुर जीवन है, ये तो सभी ने इस बात को कहा है, लेकिन यहां जो तुलना दी है कि कमलनी के पत्ते पे पड़ी हुई बूंद की तरह। देख, कमलनी का पत्ता जो है उस पे पानी रुकता नहीं है, अगर जरा सा हवा का झोंका आया और पत्ता इधर या उधर हुआ तो पानी की वो बूंद कहां जाएगी कुछ नहीं कह सकते। तो कमलनी के पत्ते पे स्थित पानी की बूंद जिसको एक हवा का झोंका भी समाप्त कर सकता है, ऐसा क्षण भंगुर हमारा जीवन है। और ऊपर वाले ने हमें विवेक तो दिया, ऊपर वाले ने हमें ज्ञान तो दिया, लेकिन हम उसका उपयोग किस लिए करते हैं? विचार कीजिएगा कभी कि उसने हमें बुद्धि क्या इसलिए दी थी कि हम लोगों को बेवकूफ बनाएं? हम अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किस किस से क्या क्या कैसे कैसे मिथ्या बोलें और कितने नहीं करने वाले कार्य करें, इसके लिए बुद्धि दी थी हमें, इसके लिए हमें ज्ञान दिया था? अरे जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें बुद्धि दी थी उस बुद्धि से हमने अज्ञान का संचय किया, और जब अज्ञान हमारे आसपास था फिर हमने क्या किया? बड़े बड़े पैसों का अभिमान रखने वाले ऐसे जो धनाढ्य लोग थे उनके सामने निर्लज्ज होके हाथ जोड़ के खड़े रहे, अपनी कहानी कह रहे हैं, साहब बड़े दुखी हैं, हमारे जीवन को आप ही सुखी बना सकते हो, कहीं नौकरी मांग रहे हैं, कहीं कुछ मांग रहे हैं, कहीं कुछ याचना कर रहे हैं, यही चलता रहता है। धनाढ्य का अर्थ सिर्फ पैसे वाला है ऐसा नहीं है, जिसके पास जो सत्ता है हम उस सत्ताधीश के पास से जैसे उसके साथ मित्रता हो जाएगी तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। देखो एक सामान्य राजनेता के आसपास भी लोग बाग कैसे घूमेंगे, किसी एक्टर एक्ट्रेस के आसपास लोग बाग कैसे घूमेंगे, किसी पैसे वाले के आसपास लोग बाग कैसे घूमेंगे, आप देख सकते हैं, ये प्रमाण है इस बात का। और सब अपनी अपनी स्टोरियां जिस तरीके से कहते हैं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मुझे तो ये आता है, मैं तो इसमें, उसको प्रभावित करने के लिए ही सारे कार्य करते हैं। अरे भैया प्रभावित करना है तो उस ईश्वर को करो, वो ऐसा सत्ताधीश है, उस ज्ञान को जागृत करो। यहां भर्तृहरि कह रहे हैं अज्ञान वश हमने बस यही किया। अरे भैया क्षण भंगुर जीवन है, अगर ऊपर वाले ने आपको बुद्धि दी है
तो उस बुद्धि का सदुपयोग करें और अपने जीवन में अपने कर्तव्य को समझें। संसार के लिए जो करना है वो तो आपका कर्तव्य है ही, लेकिन अपने लिए जो करना है उस कर्तव्य को जाने। लोगों की सेवा शुश्रूषा करके, ऐसे लोगों की गुलामी करके या ऐसे लोगों की चापलूसी करके कुछ नहीं मिलेगा। उससे सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ या तो कुछ धन या कुछ अपमान से सम्मान, ऐसी कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है, जो जीवन में आपको हमेशा के लिए सुखी बना सकता है, आपके मन को शांत कर सकता है। तो उस ईश्वर की भक्ति करो, उससे अपनी कहानियां कहो, उसके सामने जाकर के वहां जाकर के आप निर्लज्ज बन जाएं और ईश्वर से ये कहें कि मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता, तो अच्छी बात है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वैराग्य शतक है